हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। सेम कल वाली ही मेथड है कि ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस दे रखा है हमें। क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर आनंद आइडेंटिफाइड देन ऑन 31st दिसंबर 2016 हिज कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹7,800 बट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन पासबुक बैलेंस वाज डिफरेंट। श्री आनंद को ज्ञात हुआ कि 31 दिसंबर 2016 को रोकड़ पुस्तक के अनुसार उसके बैंक लेखे का जमा शेष अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट ₹7,800 परंतु इसकी पासबुक निम्न कारणों से अंतर दर्शाती है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस है। लिखते हैं ऊपर की हेडिंग में जो लाइन दे रखी है श्री आनंद को ज्ञात हुआ 31 दिसंबर 2016 दिख भी आपने, ठीक है। कैश बैलेंस दे रखा है ना ओवरड्राफ्ट पे मतलब क्रेडिट में, ठीक है ना। तो क्रेडिट का काय में जाएगा माइनस में। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन। आउट ऑफ चेक इश्यूड 750 ओनली चेक ऑफ 625 वर इनकैश्ड। उसने ₹750 के चेक जारी किए जिनमें से ₹625 के चेक प्रस्तुत किए गए, ठीक है ना। लिखते हैं यहाँ पे भाई अपना फॉर्मेट कैश और पासबुक, ठीक है। कितने के चेक हमने दिए उसको, चेक इशू करा 750 माइनस करे थे, ठीक है। ₹750 के चेक दिए पर यहाँ पर कितने की एंट्री हुई ओनली 625। यहाँ से कितने कटे 625। यहाँ पासबुक में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते तो कितना अमाउंट बच रहा है 750 में से 625 लेस कर दो। तो 125 ये कौन से हो गए प्लस के। क्यों प्लस के होंगे, प्लस माइनस माइनस 750 में से 125 लेस करोगे तो 625 आ जाएगा। आंसर सेम हो जाएगा आपका ये 625 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखते हैं एड चेक दिए उसको, ठीक है ना। बट उसके अभी के लिए कितने हुए ₹625 के, तो ₹125 भी हमारे पास बचे हैं। नेक्स्ट दिया है चेक ऑफ 550 बट डिपॉजिट ऑन 13th दिसंबर 2016 बट चेक ऑफ ओनली 375 वर क्रेडिट बाय बैंक। ₹550 के चेक 30 दिसंबर को संग्रह हेतु जमा करा परंतु इनमें से केवल ₹375 के चेक ही उसकी पासबुक में जमा हुए। कितने के प्लस करे हमने प्लस 550 550 यहाँ एंट्री कितनी हुई 375 डिफरेंट है दोनों में। तो अब क्या करेंगे 550 माइनस 375 14 में से 7 गए 7 4 में से 3 गए 5
इक्वल, हमने क्या करा माइनस, यहां लिखते हैं लेस चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। नेक्स्ट थर्ड वाला, इफ इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ चेक ऑफ रुपीस 250 व्हिच वाज डेबिटेड इन कैश बुक वाज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, उसे ज्ञात हुआ कि 250 रुपए का चेक जो उसने बैंक के नाम डेबिट लिखा था बैंक में जमा ही नहीं कराया गया है, ठीक है ना। उसने क्या करा था, 250 रुपए का चेक हैगा, डेबिट में लिखा मतलब जमा में लिख दिया उसने 250 रुपए, ये मेरे को कोई चेक लिख के गया हैगा, ठीक है, तो मैंने एंट्री कर दी, हाँ मेरे को 250 रुपए मिलेंगे, बट वो चेक रख के मैं भूल गया तो उसकी एंट्री पासबुक में तो हुई नहीं होगी, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे एंट्री हुई नहीं है, जीरो, यहाँ भी क्या करना है, जीरो करना है, तो माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर है। लिख देते हैं लेस चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक रिसीव्ड हुआ बट आपने उसको सेंड नहीं करा, माइनस में 250। नेक्स्ट, अ कस्टमर डिपॉजिट रुपीज 150 डायरेक्टली इनटू बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट करे उसने 150, ठीक है, डिपॉजिट बाय कस्टमर 150। बैंक पेड सब्सक्रिप्शन रुपीज 100 ऑन 31st December विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने सब्सक्रिप्शन पेड कराएगा तो बैंक से क्या हुआ है, माइनस हुए हैं। बैंक अगर पेड करती कोई भुगतान करती है कि तो वो क्या होता है, माइनस होता है, कितने 100 रुपीज और ये वाले 150 प्लस में होंगे, यहाँ पे 100 रुपीज माइनस। नेक्स्ट भी पढ़ ही लेते हैं, तकिए रखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 200 वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट देगा तो बैंक ने वो काटा होगा तो ये भी माइनस होंगे, ओवरड्राफ्ट में हमेशा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना, मिलता नहीं हैगा, बाकी के दोनों एंट्री माइनस में, लेस करते हैं
पासबुक एक 8525 में से 275 लेस कर 0 8250 ये आ गया इसका आंसर। ठीक है 8250 ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है अब होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करोगे। ठीक है ना ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है थैंक यू।